شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि तरावीह की नमाज के बाद सीरत के इस इजलास में हम बैठक में इज्तिमा में शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ बातें हम सुनते हैं अल्लाह उसे हमें आखिरत का नजात का सबब बनाए और उन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। और ये बड़ी सआदतमंदी की बात है कि हम लोग जो सुनते हैं वो नबी की सीरत की बातें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। उसके सुनने से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको पता चलेगा कि नबी ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, हमारी शरीयत कैसे निकली है। इसलिए कि हमको जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। बच्चे हमारे बच्चे बचपन से कार्टून देखते हैं, टिन टिन और क्या देखते हैं, टॉम एंड जेरी, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो इसी को आइडल समझते हैं। अब आप बड़े बच्चे तो अल्लाह क्या क्या देखते हैं वो लोग, हाँ कुछ ऐसे नाचने वालों को देखते हैं, बूढ़े हो गए अभी भी नाच रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी समझते हैं कि हम भी ऐसे नाचेंगे। तो किसी ने किसी को आइडल नमूना बनाया हुआ है। तो बहुत सारी औरतें ने भी कहा कि मेरा नौशा उसके सर का रहना तभी मैं शादी करूँगी। बोला कि अब अगर ऐसे मुसलमानों की हालत हो जाए तो हम चाहते हैं कि मुसलमान अल्लाह के नबी को पहचाने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लम के पाक अखलाक को सीरत को वो लोग जाने। तो बहरकैफ चलिए हम अपनी बात पर पहुँचते हैं। तो हम बात कर रहे थे वही इलाही की। वही अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम नबी तक आता है, रसूल तक आता है और एक फरिश्ता लाता है। इसके कई तरीक़े हैं, कई अंदाज़ हैं वही के नाजिल होने के। और आपने कुरान मजीद की आयत पढ़ा होगा वाउहा रब्बुका इलन नहरि अन तख्ज़ी मिनल जिबाली बुयूता, अल्लाह ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। वही किसके पास आई? शहद की मक्खी। या और कभी कुरान में कहता है अल्लाह ताला हमने मूसा की माँ की तरफ वही की, औरत के पास भी वही आती है लेकिन औरत नबी और पैगंबर नहीं होती है। और कभी अल्लाह ने मरियम से भी कहा, मरियम से भी कहा कि देखो ऐसा करो वहाँ खजूर का झाड़ है, ठंडा ठंडा पानी आएगा, खजूर खाओ ठंडा पानी पियो और जब कोई तुमको देखे तो कहे लन उकल्लिम अल्यौम इंसिया, मैं किसी इंसान से बात नहीं करती, ये मेरा बच्चा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ है। तो वही शहद की मक्खी की तरफ भी आई, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ भी आई। लेकिन इस वही की जो हम बात कर रहे हैं वो नबूवत और रिसालत की वही है। वो वही कई टाइप की होती है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह उन्होंने बताया कि आप इसे गिने, याद रखें, बात सुनने के बाद याद रखते हैं तो वो फ़ायदा देती है। हम सुने भूल जाएं, इसीलिए कहते हैं लिकुल्लि शैइन आफा, हर चीज़ की एक मुसीबत होती है और इल्म की मुसीबत अन्निस्यान, भुला देना है। जैसे लकड़ी की आफत दीमक है, इल्म की आफत क्या है? भूल जाना, वाह मैं ज़र्रा भूल गया, वाह खलास इल्म चला जाता है। आप अच्छा पढ़ के जाते हैं, इम्तिहान हाल में जाके पर्चा हाथ में लेते हैं, पूरा दिमाग से उड़ जाता, क्या अभी याद आता नहीं, वाह सब चलेगा, तारे नजर आते, अब क्या लिखना समझ में आता नहीं। तो कहा कि आफतुल इल्मी अन्निस्यान, लेकिन अल्लाह ताला इल्म अल्लाह का नूर है। इल्म क्या है? अल्लाह का नूर है। वनूर ला युअता लिआसिन, अल्लाह का नूर नाफरमान को नहीं दिया जाता।
आप अल्लाह का डर अपने दिल में रखेंगे, नेकी करेंगे तो ये इल्म हासिल होगा। तो वही इलाही कितने टाइप का होता है, इब्ने कईम रहमतुल्लाह ने बयान किया सच्चा ख्वाब। नंबर वन, अल्लाह ताला की वही सच्चे ख्वाब के जरिए से आती है। ये सच्चा ख्वाब अंबिया को पड़ता है, जैसे मैं रात में ख्वाब देखूं, सुबह सुबह उनके पास आऊं, बोला रात में मैं ख्वाब देखा, आप मुझे 5000 रुपये दे लेंगे। अब उन अच्छे से बोलेंगे, ऐसा करो शेख, आज रात के ख्वाब में मैं देता हूं, आप ले लो। तो ख्वाब मैं जो देखता हूं वो ख्वाब में भी उन्होंने क्या करेंगे, मैं ख्वाब में मांगूंगा, उन्होंने ख्वाब में देखेंगे। तो हमारे ख्वाब की बात नहीं, ये किसके ख्वाब की बात है, नबी के ख्वाब की बात। तो ख्वाब से कोई शरी हुक्म नाफिज नहीं होता, अच्छी तरह याद रखें। अगर कोई कहे कि मैंने ख्वाब में देखा है कि नमाजें मेरे से माफ हो गई, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अजीब बात है। ख्वाब से कोई शरी हुक्म नाफिज नहीं होता है, ना किसी की प्रॉपर्टी ली जा सकती है, ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन यहां कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही की इब्तिदा शुरू हुई तो सच्चे ख्वाब आने शुरू हुए। जैसे उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रात में नबी जैसे ख्वाब देखते दिन में वैसे ही नमूदार होता। नंबर वन, ये वही का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि फरिश्ता आपको दिखाई नहीं देता, आपके दिल में बात डाल देता। नंबर दो, फरिश्ता आपके दिल आपको दिखाई नहीं देता लेकिन आपके दिल में बात डाल देता। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे खाते खाते सुनो ना माशाल्लाह, तो कहते हैं अच्छी तरह सुनो। मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं कि ये हदीस जरा गौर से सुने, अल्लाह के नबी की हदीस है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन रूहल कुदुसी, रूहल कुदुस कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। देखें माशाल्लाह बच्चों को कितना शौक दे, रूहुल कुद्स उस उन्होंने मेरे दिल में एक बात डाली, नफसा फी रोई, उन्होंने मेरे दिल में फूंक मारा, यानी मुझे मेरे दिल में एक बात डाला। मतलब फरिश्ता दिखाई तो नहीं दिया लेकिन जिब्रील ने उनके दिल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक बात डाला। क्या बात डाली, देखिए, नंबर वन, अन्नहु लन तमूत नफ्सुन, अन्नहु लन तमूत नफ्सुन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गौर से सुन लें, जो इस बात की हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारा जीना बराबर नहीं, हमारे घर में बराबर नहीं, अच्छी तरह सुन लें, लन तमूत नफ्सुन, कोई हरगिज नहीं मरेगा, हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, जब तक कि वो अपनी रोजी रोटी पूरी ना कर ले। ये घोंट पानी भी अगर आपका बाकी है, हम सकरात में आ जाएंगे तो घर वाले जबरदस्ती पानी पिलाएंगे, पानी पी को मरो, जाते जाते क्या हो को मरो, पानी पी को दुनिया से जाओ। ऐसे ना करते लोग, आदमी सकरात में गए तो हल्लख में क्या डालते हैं, ये वो लन तस्तकमिल नफ्स ला हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। रिस्क आदमी क्या होता है, उसका मुकम्मल होता है, अल्लाह अकबर। पिलाने वाले आखिर में जब गरगराए मौत लग जाता है आदमी, गरगराए मौत वही हो जब उसकी जान जाने लगती है, आंखें पीछा करती हैं, तो तब भी लोग उसे पानी पिला, अरे जरा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक जितना हमारा कोटा बाकी है दुनिया से हम लेके जाएंगे, दुनिया से हम वो सारा लेके जाएंगे। फत्तकुल्लाह, लोगों अल्लाह से डरो, किस मामले में, रोजी रोटी हासिल करने के मामले। वाजमिलू फित तलब, रोजी रोटी हासिल करने में जरा अच्छा अंदाज इख्तियार करो। अगर रोजी रोटी मिलने में देर होती है तो गलत तरीके से नहीं जाओ, उसे हम तमिल में क्या बोलते हैं, कुरुकुअली, क्या बोलते हैं, मतलब क्या, हाँ वैसा सब करो नहीं। अल्लाह ताला जो देना है आपको क्या करेगा, देगा, हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन देर हो रही है उसे लिए हराम जराए अपनाओ नहीं, हराम जराए हरगिज नहीं करो। इंटरनेट पर देखने वाले देखते हैं कितने लोग घर बैठे लाखों कमाओ, ऐसे नहीं बोलते, क्या करो, डेटा एंट्री करो। औरतों से बोलते हैं
डेटा एंट्री, वो डेटा एंट्री करते करते इनोड डेटा हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, गैर मर्दों से ताल्लुकात हो जाते, फिर चैटिंग होती, वो फिर खलास। अजीब दुनिया, दुनिया कमाने के चक्कर में कोई घर बैठ के लाखों रुपए नहीं देता, सिर्फ लोग बोलते हैं। कहा कि इसीलिए कहा फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित्तलत, रोजी रोटी हासिल करने में अच्छे जरा इख्तियार करो। वला यहमिलन्नकुम, हरगिज ऐसा ना हो इस्तिबताउर रिस्क अला अन तत्लुबूहु बिमासियतिल्लाह, रोजी रोटी मिलने में जरा देर हो जाती है, डिले हो जाता है, तो तुम अल्लाह की नाफरमानी में उसे हासिल करो। कितने बच्चे ऐसे हैं, किसी ने आकर मुझे कहा कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जूनियर आर्टिस्ट के नीचे फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट, हाँ वो वहां चले गए। हमारे मुसलमान बच्चे कहा कि लोग आकर बोलते हैं, अब वो अल्लाह ताला सच है गलत है बेहतर, ये सब हराम के जराए, ये सब हराम चीजें। तो कहते हैं फइन्नमा इंदल्लाह ला युनालु इल्ला बिताअतिह, फइन्नमा इंदल्लाह, अल्लाह के पास जो कुछ है अल्लाह को खुश करके हासिल किया जा सकता है, अल्लाह को नाराज करके हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की इबादत करके, अल्लाह को खुश करके लिया जा सकता है, अल्लाह को नाराज करके नहीं लिया जा सकता। इसका खास ख्याल रखें। अब अगर कोई नौजवान कहे कैसा ऐसा बोलते हैं तुम्हें, कितने लोग हैं जो अल्लाह को सजदा नहीं करते, उन्होंने सिर्फ अपनी शादी से पहले के फंक्शन में कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी उसने अल्लाह को याद किया, हाँ वो तो मुशरिक है, अल्लाह को कभी याद नहीं किया, कैसे हो सकता है। अल्लाह ढील देता है, अल्लाह किसी नाफरमान को रोजी रोटी देता है तो आप ये ना समझें कि अल्लाह उससे खुश है, अल्लाह उसे मोहलत देता है, वही बात यहां कहीं। तो ये हदीस आपके समझ में आ गई। तो ये दूसरी बात थी जिसमें बताया गया कि फरिश्ता दिखाई नहीं देता है लेकिन नबी के दिल में बात डालता है। नंबर तीन, फरिश्ता नबी की शक्ल इख्तियार करके आता है, हाँ फरिश्ता नबी की शक्ल के इख्तियार करके आता है, नबी से बातें करता है। इस सूरत में कुछ सहाबा भी फरिश्ते को देखते हैं, तो आप लोगों में से कोई मुझे उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, उलमा छोड़कर, उलमा छोड़कर, उलमा नहीं बोलेंगे, हाँ कौन सी हदीस है जिसमें फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया है, सहाबा देखे हैं और नबी से बात, हदीस है जिब्रील, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, याद रखें बाद में काम आएगा ये। तो कहते हैं हदीस है जिब्रील में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक अजनबी आए, स्ट्रेंजर कोई पहचानता नहीं था, कपड़े सफेद थे और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि सफर से आए हों, बाल बिल्कुल अच्छे थे, बाल परागंदा भी नहीं थे और हम में से कोई उनको पहचानता भी नहीं था। वो सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बिल्कुल बैठ गए और उन्होंने सवालात किए, मल इस्लाम वमल ईमान, अशरात अस्साह, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, क़यामत की निशानियां क्या हैं। तो सारे चले गए, जाने के बाद सहाबी कहते हैं मैं बैठा रहा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी ये कौन है। पहले उन्होंने पूछा जानते हो ये कौन है, बोला कि नहीं मालूम अल्लाह के रसूल, बोले हादा जिब्रील, हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील हैं जो तुम्हें दीन सिखलाने के लिए आए। दीन किससे सीखते, अंबिया से, अंबिया की तालीमात से, वारिसीन अंबिया मशायख से, उलमा से, दीन गूगल से नहीं सीखते। हमारे बच्चे जो भी मसला है मैं बोलता हूँ गूगल में, अरे मालूम बोलो, तो गूगल ने सिखाता है, फरिश्ता नबी को सिखाता है और वारिसा ने नबूवत, उलमा नबी की मीरास से सीखते हैं। ये सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ऐसे सीखा जाता है, ऐसे गूगल से नहीं सीखा जाता। गूगल तो पागल है, जो चाहे आपको बोलेगा, कभी सही बताता है कभी गलत बताता है, कभी सही भी बताता है। आप कहीं जाना है जाइए, बिल्कुल सामने ले जाके ठहरा करेगा, भाई आपका डिस्टिनेशन आ गया, नहीं
कभी गूगल सही भी बताता है, लेकिन दीन हर चीज, जिस आदमी से जितना जो लेना है आदमी वही लेगा भिन्न। आगे चलकर कहते हैं कि कभी वही की सूरत यह भी होती कि आपके पास घंटी के टनटनाने की आवाज आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटी की आवाज से बड़ी नफरत थी, घंटी की आवाज से बड़ी नफरत थी, लेकिन वही की सूरत में जो बात एक अंदाजा कहा गया, यानी कि वो घंटी की आवाज ही थी, एक आवाज आती थी, और अरबी में उसे कहा सिलसिला, यानी चैन अगर जमीन पर अगर रगड़ खाए तो जो आवाज आती है वैसे आवाज जंजीर की आवाज सुनाई देती थी। तो कहते हैं कि वही की ये सूरत सबसे सख्त सूरत होती थी। ठंडे जमाने में भी अल्लाह के नबी सल्लम का जिसम शराबूर हो जाता था, पसीने से शराबूर हो जाते थे। तो कहते हैं कि एक मर्तबा इस तरह वही आई कि आपकी रान हजरत जैद बिन साबित के रान पर थी, यानी बैठे हुए थे पास पास दोनों। तो वही जब आई तो उन पर इस कदर बार मालूम हुई कि रान कुचल गई, मतलब वही था। अल्लाह ताला का कलाम जब आता है तो बिल्कुल अलग हैबत हो जाती है। तो इसी तरह एक और चीज वही के अकसाम में से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम फरिश्ते को उसकी असली और पैदाइशी हालत में देखते थे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लम ने शुरू वक्त में भी जिब्रील को उनके असली हालत में देखा कि उफक में आसमान पर हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी देखा अल्लाह के नबी सल्लम ने। दो मर्तबा इस तरह अल्लाह के नबी सल्लम ने जिब्रील अमीन को असली हालत में देखा। तो कुरान ने भी बताया कि जिब्रील अमीन के कितने पर हैं, 600 पर हैं। तो सीधे हाथ तरफ, मुझे यकीन है कि लोग बोलेंगे, इसलिए मैं उनसे पूछता हूं, 600 पर हैं। तो अब जिब्रील अमीन जिनके बारे में सूरतुन नजम में बड़ी तफसील बताई गई, वन नजम इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल, यानी वहां कहा कि जिब्रील ने सिखाया है जो बड़े सख्त हैं, शदीदुल कुवा यानी बड़े ताकत वाले हैं। दू मर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى। तो जिब्रील अमीन जो असली सूरत में कभी देखे गए। इसी तरह वही की एक और सूरत बताते हैं कि वो वही जो आप पर मेराज की रात नमाज की फर्जियत के सिलसिले में वगैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाई जब आप आसमानों के ऊपर थे। नमाज कहां फर्ज हुई? हर फर्ज जमीन पर फर्ज हुआ, रोजा, जकात, हज, लेकिन नमाज सातों आसमानों पर फर्ज हुआ। इसीलिए नमाज का यह मुकाम है, नमाज का यह मुकाम है। इसी तरह एक और चीज जिसके बारे में कहते हैं कि फरिश्ते के वास्ते के बगैर फरिश्ते के अल्लाह ताला अपने हिजाब में, पर्दे में अल्लाह तबारक व ताला बराह रास्त नबी से गुफ्तगू करे। जैसे आपने सुना होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मदियन से मिस्र जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, ठंडी रात है, दूर देखा कि आग जल रही है, अपनी बीवी से कहते हैं यहां ठहरो, मैं जाकर वहां से आग लाता हूं, हम लोग कुछ आग से गर्मी ताप लेते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आवाज लगाई, इन्नका मूसा आप मुकद्दस वादी में हैं, फकला अनालेक अपनी जूती उतारी और डरिए मत। और अल्लाह ने निशानी भी बता दी कि आपके हाथ में जो लाठी है उसे डाली, तो अल्लाह ताला ने मौजज़ा बता दिया। तो ये अल्लाह ताला की गुफ्तगू थी मूसा अलैहिस्सलाम से पर्दे के, यानी अपने हिजाब में, सामने तो नहीं हिजाब में। तो इसका सबूत तो कहते हैं कि नस कुरानी से मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये चीज कुरान से साबित है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है, लेकिन अहादीस से, मेराज के अहादीस से साबित है। ये वही की शक्लें थी, कितनी शक्लें हुई? सात।
سات شکلیں سات طائف سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آتی تھی. اس کے بعد ایک اور چیز, اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں یہ میری بات ہر بچے سے ہے, ہر نوجوان سے ہے, میری ہر ماں اور بہن سے ہے. یہ قرآن مجید کی سورۃ المدثر کی شروع کی دعائیں ہیں. آپ نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھا ہوگا لیکن جس انداز سے یہ سمجھا رہے ہیں, جس انداز سے انہوں نے سمجھایا ہے, اس کو سمجھیں آپ کے جسم میں گرمی آئے گی, آپ کے خون میں ایک ہیجان آئے گا, آپ سمجھیں گے کہ ہم کیا ہیں, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. چلیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آ گئی تو جیسے ہی وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہو گیا. بولا کہ اب وحی ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے, جو میسیج ہم نے آپ کو پہنچایا ہے اسے کنوے کیجئے, اس کی تبلیغ کیجئے, دوسروں کو پہنچائیے. ہم نے آپ کو جو میسیج دیا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے, دوسروں کو پہنچانے کے لیے آپ پہنچائیے. تو قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں سورۃ المدثر کی آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر, مختصر الفاظ ہے. یا ایھا المدثر یعنی اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے نبی سے کہہ رہے ہیں, اے اوڑھ کر سونے والے, یا ایھا المدثر, اے اوڑھ کر سونے والے. قم, قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ. قم فانذر, لوگوں کو ڈراؤ. بس دو ہی آیتی نہیں, بہت مختصر آیتی نہیں. چلو اس کی تفسیر شیخ نے کیسے کی, کس انداز سے آپ کو جگایا ہے. آپ کو جگایا ہے کہ یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ آپ کے میرے آرام کرنے کا وقت نہیں. یہ میسج آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو جوش دلا دوں میں سو جاؤں, ایسا نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میرے بھی لیے. بس اتنی بات ہمیشہ آپ زندگی میں کہتے رہیں, قرآن کی آیات کا ورد کرتے رہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر, کیسے آتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو یہ دو آیتوں میں جو باتیں بتائی ہیں, انذار, پہلے کہتے ہیں انذار, عربی کا لفظ ہے انذار. انذار جیسے آپ کسی ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں تو عربی ایئرپورٹ ہے تو وہاں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, الانذار الاخیر, لاسٹ کال, کیا بولتے ہیں, ہاں لاسٹ کال. یعنی بورڈنگ چل رہا ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ اب بورڈنگ ختم ہونے والا ہے, الانذار الاخیر, لاسٹ کال. تو انذار کے معنی ہیں ڈرانا. کیسے ڈرائیں گے, تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اس کے پر خطر انجام سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو اللہ کی مرضی نہیں ہے, آپ اسے اس کے انجام سے ڈرائیں, بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے. کوئی شراب پی رہا ہے تو اس میں اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی شرابی بنے, اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے, آپ ڈرائیں کہ اس کا پر خطر انجام کیا ہوتا ہے. کوئی سود لے رہا ہے آپ اسے ڈرائیں, کوئی اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے آپ اسے ڈرائیں, یعنی کوئی اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے آپ اسے ڈرائیں. انذار کا یہ معنی ہے. کوئی بدعتی ہے, کوئی قبر پرست ہے, کوئی غلط کر رہا ہے آپ اسے ڈرائیں, انذار کا یہ معنی ہے. جیسے کہتے ہیں اس کے پر خطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس طرح ڈرائیں کہ عذاب الہی کے ڈر سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے. آپ کسی کو ڈراتے ہیں تو ڈرانے کے لیے پہلے آپ کے اندر اتنی نیکی ہونی چاہیے کہ سامنے والا کہے کہ بھیا بالکل سچ بول رہا ہے. جب تک میں نیک نہیں رہوں گا میرا کسی کو ڈرانا سود مند نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ انذار, لوگوں کو ڈرانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اس کی آخری منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں جہاں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے آپ اسے ڈرائیں, ایسے ڈرائیں کہ اس کے دل خوف سے پھٹ جائے, اس کی زندگی میں ہلچل مچ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں.
देखा आपने, ये जरूरी है। हरगिज हरगिज ये ना समझें कि वो कर रहा है मुझे क्या मतलब, मेरा क्या नुकसान होगा, वो बुराई करता है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है चाहे मर्द हो के औरत, आप गुनहगारों को रोकें, खुद पाक बने। देखिए रब की बड़ाई, फिर अल्लाह ताला ने उसी सूरत में बताया वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। बड़ाई किसके लिए है? अल्लाह के लिए। बड़ाई किसके लिए? अल्लाह के लिए। हम लोग जो बड़े बनते हैं, हमें हमारा चलना, हमें बड़े आदमी, ये सब अल्लाह ताला को पसंद नहीं। ला युरीदून उलुवन फिल अर्ज वला फसादा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने जन्नत में जो घर बनाया है वो किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो दुनिया में बड़े बनना नहीं चाहते। ला युरीदून उलुवन फिल अर्ज वला फसादा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अल्लाह रब की बड़ाई बयान करने का मतलब यह है कि जमीन के ऊपर किसी की बड़ाई और किबरियाई बाकी न रहे, सिर्फ वनसफ अल्लाह, अल्लाह ही बड़ा है। अल्लाहु अकबर, पांच वक्त ये मस्जिद की अजान, इस मेंबर और मेहराब से जो अल्लाहु अकबर की जो सदा आती है वो इस बात का ऐलान है कि इस सरजमीन पर सिवाय अल्लाह के बड़ाई की कोई बड़ा बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कहेंगे ऐनल मुलूक, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं जो अपने बड़ाई का दावा करते थे। सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, कोई जवाब देने वाला बाकी नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे। जो भी बड़ा बनना चाहे उसकी कमर तोड़ दी जाए, उसकी शौकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए यहां तक कि जमीन पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। मैं आपको बोलता रहूं, आप सुनते रहें और अमल ना करें तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अल्लाह ताला की किबरियाई को बड़ा करें, जबान से उसका जिक्र करें। जहां जहां ऐसा कोई फिरौन बनना चाहता है तो आप मूसा बन जाएं, आप उसकी फिरौनियत को तोड़ें, बोलें कि हम पांच मरतबा हमारे मेंबरों मेहराब से अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हैं, बहैसियत मुसलमान हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह से बड़ा इस सरजमीन पर कोई नहीं। तीसरी चीज, अल्लाह ताला ने इसमें एक और बात का हुक्म दिया, वथियाबका फतहिर, सूरतुल मुद्दस में वथियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को गंदगी से पाक रखो। पहली बात क्या थी? कुम फानजिर, लोगों को डराओ। किससे डराएंगे? जमीन के ऊपर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी होगा आप उसके अंजाम से उसे डराएंगे। कुम फानजिर वरब्बका फकब्बिर, रब की बड़ाई का मतलब यह होगा कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह से बढ़कर बड़ा कोई नहीं होगा। अगर कोई बड़ा बनना चाहेगा तो हम उसकी कमर तोड़ दें, हम उसकी शान और शौकत को उलट दें, यह हमारा काम होगा। वसियाबका फतहिर, तीसरी चीज जो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे कपड़े गंदगी से पाक रखो, तो उसकी आखिरी मंजिल यह है कि वाहिर और बातिन दोनों चीजों से आप पाक रहें। कैसे? कपड़े भी पाक रहें और आप का अंदरूनी शिर्क और शिर्क की गंदगियों से पाक रहें। जैसे आप वुजू बनाते हैं, वुजू बनाते हैं, हाथ पैर धो लिए, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वुजू की दुआ पढ़ते हैं, तो अंदर का पाक हो जाता, आपने तौहीद की गवाही दे दी। अब आप इलिजिबल हैं नमाज में खड़े होने के, अल्लाह के सामने खड़े होने के आप काबिल बने। कब? जब आप अंदर से बाहर से पाक हो गए। देखा आपने, अगर बगैर वजू के आप पाक नहीं थे, अगर सिर्फ ऊपर से पाक थे, दुआ नहीं पड़ रहा है, तब भी आप पाक नहीं थे। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की रहमत के साए में, उसके हिफाजत व निगहदाश में इस हद कमाल को पहुंच जाए जो अल्लाह की रहमत घने साए कहते हैं, यहां तक कि इंसानी मुआशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाए कि आपकी तरफ
तमाम सही दिल वाले खींचते चले जाएं, चले आए, यानी ये तीन चीजों पर आप और मैं अमल कर लेंगे तो सारे लोग हमारी तरफ आ जाएं। ये तीन चीजें आपने सुन ली। उसके बाद एक और चीज अल्लाह ताला ने उसी सूरत में कही, वला तमनुन तस्तकफिर, वला तमनुन तस्तकफिर, याद रखें सूरह मुद्दसिर की इब्तदाई आयतें। कुछ लोग कभी ये सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, कुछ हमने कर लिया, हाँ कुछ भी नेकी कर ली, हम बोलते हैं हमारा ईमान ऐसा है, हाँ जिब्रील के ईमान के बराबर हमारा ईमान, ऐसे इतना लोग बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम कितने पाकिजा हैं ये कौन जानता है? अल्लाह जानता है। फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपने आप को पाकिजा न कहो, अल्लाह जानता है कि कौन कितना पाकिजा है। तो अल्लाह ताला इसमें बात कहते हैं कि अपनी जद्दोजहद, अपने कारनामों को बड़ाई और अहमियत न दे। हो सकता आपने बहुत सारे काम किए हों, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हों, कई लोग आपसे हिदायत पाए हों, लेकिन मियाँ मिठू ना बने, मैं इतना कर डाला, मैं ये कर डाला, मैं वैसा वैसा कर डाला। बोला कि ये सब मत बोलो, ये सब मत बोलो, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, आपको नहीं दिया तो कोई और करता था, अल्लाह ने ये तौफीक आपके दिल में रखी है, तो ये हमारा कोई कारनामा नहीं है। यानी अल्लाह की याद, आप जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह बना रहे हैं और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह इस काम को कबूल फरमा। काबे से बढ़कर कोई चीज है? इसके अलावा जो भी आप काम दुनिया में करें तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसे कबूल फरमा, हम ये इखलास अता फरमा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप ये सारे काम कर लेंगे, अच्छा काम कर लिया, सौंप कर लिया, उसके बाद क्या होगा? वला तमनुन तस्तकफिर, उसके बाद क्या है? वलि रब्बिका फस्बिर, देखा आपने, वलि रब्बिका फस्बिर, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, सब्र करो, क्या अल्लाह के वास्ते क्या करो? सब्र करो। ये सब कुछ करने के बावजूद भी लोग आपको नहीं बख्शेंगे, लोग क्या करेंगे? ताने देते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन आप क्या करें? सब्र करें। देखा आपने कुरान कैसा समझाता है। तो मैं अगर कुछ कर लेता हूं तो मैं समझता हूं कि लोग सब मेरी इज्जत करना, मेरे खिलाफ कौन भी क्या भी नहीं बोलना, कहीं को मैं इत्ता करें ना, बोला अरे तुझे ही लोग बोलेंगे तो मजे क्या बोलेंगे, तुम्हें इतने बड़े आदमी हो गए, अब लोग आप ही को बोलेंगे। जिस दरख्त पर फल होते हैं लोग उसी को पत्थर मारते हैं, सूखे झाड़ा को कौन मारता है? हाँ लोग पत्थर किसे मारते हैं? फलदार दरख्तों को मारते हैं, सूखे दरख्तों को तो कोई नहीं मारता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ दावत का अगर तुम काम करना शुरू करोगे, अल्लाह के बंदों को दावत देना शुरू करोगे, तो जो लोग आपके दुश्मन हैं वो आपके अगेंस्ट मुखालफत पर उतर आएंगे, इस्तेहजा मजाक करेंगे, हंसी करेंगे और आपको मुश्किल यानी आपको तकलीफ देना चाहेंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को कत्ल करने की कोशिश की गई और मोमिनों को नीस्त व नाबूद करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आपको बड़ी जवां मर्दी के साथ मुकाबला करना होगा, सब्र करना होगा। तो बताया गया कि वो भी इसलिए नहीं कि इसके बाद आपको कुछ मिलने वाला है, इसलिए कि अल्लाह के लिए सब्र करना होगा। बात आपके समझ में आ गई, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में आप कुछ भी अच्छा करेंगे लोग आपको मुखालफत करेंगे, आपके खिलाफ बातें बोलेंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते सब्र करो, मायूस ना हो, मायूस ना हो, मैदान मत छोड़ो। हाँ नहीं बा, इसे होता नहीं बा, मैं जाता हूं, अरे इसका ही मतलब नहीं। तो मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो ताकत और हौसला नहीं है, आप मैदान जंग में हार जाते हैं। ऐसा मैदान इन लोगों के लिए नहीं, आपके पैर जख्मी होंगे,
जज्बात लहू लहान होंगे, आपको लोग ताना देंगे, आप सहते जाओ, हंसते जाओ, मुस्कुराते जाओ, मंजिलें तय करते जाओ, फिर कामयाबी तुम्हारी है, अल्लाह की जन्नत तुम्हारी है। अल्लाहु अकबर। शेख कहते हैं ये कितने मुख्तसर बातें हैं, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने समझाया है और कैसी कैसी बातें अल्लाह ताला ने हम सब लोगों के लिए बताई हैं। एक बात आपको और मुझे समझ लेना चाहिए कि दुनिया में हम जो भी करते हैं उसका बदला कहाँ मिलता है? कुछ का बदला दुनिया ही में दे जाते, जैसे उनमें क्या क्या है, अगर माँ बाप के साथ कोई बदसलूकी करता है तो मरने से पहले उसका बदला देख लेता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह इसे क्या दिले नहीं करता। माँ बाप के साथ अगर कोई बदसलूकी करता है तो मरने से पहले उसका अंजाम देख लेता है, और उस ऊपर फिर उसका फिर और भी है, वहां भी देखेगा। तो कहते हैं लेकिन कुछ काम दुनिया में ऐसे हैं जिसका बदला नहीं मिलता। बहुत सारे नेक काम आप करते हैं लेकिन बदला पाने से पहले चले जाते हैं, वो बदला कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा। कुछ जालिम ऐसे हैं जिनको दुनिया में अगर 100 मर्डर आदमी करे तो कोर्ट क्या करेगा, उसे एक फांसी की सजा देगा। ऐसा नहीं होगा मारे फिर फांसी दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई एक मर्डर करता है तो उसे एक फांसी की सजा मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला के पास जो कानून है 100 मर्तबा मारा जाएगा, 100 मर्तबा उसे 100 खून का बदला उससे लिया जाएगा। वो कानून अल्लाह का कानून है, वो अल्लाह ताला के पास उसे मिलेगा। तो यहां एक बात इन्होंने कहा कि आयात में बंदों से ये बात बताई गई कि आप तौहीद इख्तियार करें। सारी आयतों का खुलासा उन्होंने बताया कि हम लोग क्या इख्तियार करें, तौहीद, तौहीद की दौलत इख्तियार करें। सबसे पहले तौहीद हमारे पास है, और अपने सारे मामलात को किसके हवाले कर दें? अल्लाह के हवाले कर दें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, बार बार पढ़ें, इसे बड़ी कामयाब दवा है, आपकी जिंदगी बदल देगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो पहली चीज हमारे पास तौहीद है। तो अल्लाह के नबी सल्लम को एक उसूल बता दिया गया, आप दावत क्या क्या करेंगे, अल्लाह के बंदों को क्या क्या समझाएंगे। अच्छी तरह याद कर लें, कभी भी किसी को आप दावत देना चाहते हैं, दीन प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, दीन समझाना चाहते हैं, तो क्या क्या बोलना है? पहले तौहीद, पहले उसे समझाएंगे हम तौहीद। दूसरी चीज कि आखिरत के दिन पर ईमान। ये संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, एक आखिरत का दिन है जहां हमको सारी जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। किसी गैर मुस्लिम को समझाते हैं, दीन का आप तारुफ देते हैं, दीन के बारे में समझाते हैं, तो पहले तौहीद, दूसरा आखिरत, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहले अल्लाह ताला की तारीफ कर दी, फिर आखिरत के दिन के बारे में समझाया। तीसरी चीज तस्किए नफ्स, तस्किए नफ्स कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सूल, यानी आप अपने नफ्स को अच्छा करें, प्यूर करें, प्यूरिफिकेशन। नहीं कैसे, ये जो अंदर का नफ्स है बड़ा खतरनाक, अंदर का जो नफ्स बोलते नहीं, नफ्स बोलिए, दिल बोलिए, आत्मा बोलिए, कुछ भी बोलिए, बड़ा खतरनाक, जाते जाते फिसल जाता, कब किधर देखता मालूम नहीं, कब किस पे आता मालूम नहीं। इसीलिए इसे क्या करना, संभाल के रखना। इसीलिए सलफ ने कहा आलजतु नफ्सी 20 सना, सुफियान अस्सौरी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझे अपने नफ्स को बनाते बनाते 20 साल लग गए। कितने कितने लग गए? 20 साल। अब यहां बैठे हैं हमें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं भी बोलता तुम बोलते, जर्रा बाहर जाते ही क्या भी गलत दिखा फौरन देखते हैं, दो आंखें हैं ना, फौरन देखते हैं, गलत सुनते हैं, गीबत करते हैं किसी का। बोला कि ये नफ्स की इस्लाह ये बड़ी अहम चीज है, तस्किए नफ्स। तो कहते हैं गंदे और फहश कामों से परहेज, और फजाइल और कमालात, और आदमी कोशिश करे नफ्स को बनाने की, नफ्स की इस्लाह करने की। ये अलग चैप्टर है, वो बड़ी लंबी गुफ्तगू है कि कैसे आप अपने अंदर वाले नफ्स को बनाएं। ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं, मैं भी कपड़े पहन लिया, तुम्हें भी कपड़े पहन लिए, मैं भी बड़ी दाढ़ी छोड़ वाला, तुम्हें भी छोड़ लेते हैं, लेकिन ये आसान है, मुश्किल कौन सा है? अंदर वाले को बनाना बड़ा मुश्किल है। ये अंदर वाला किसी को दिखता भी नहीं,
कब पलट ही खाता मालूम नहीं, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो जाते हैं। आपको ताज्जुब होता, अरे इन्हों ऐसे ना ऐसा कैसा हो गए, वैसा छोटे से अल्लाह का करम नहीं है तो कैसे कैसे लोग पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। असल चीज जो होती है वो अंदर की इस्लाह है, अंदर की इस्लाह है। हाँ, हो सकता है आप जाहिरी इस्लाह कर लें तो अल्लाह अंदर की इस्लाह की भी तौफीक देते। हाँ, ऊपर सुधर जाए, तन सुधर जाए तो मन भी सुधर जाए। देखिए उसके बाद वो कहते हैं अपने सारे मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जिसे कहा गया कि ये सारी बातें नबी की ताबेदारी पर होंगी, आप अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, जो भी काम करेंगे नबी ने जैसे बताया है वैसे आप करेंगे। कुछ और बातें हमारे साथ इसी से मुतालिक हैं, इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम सुनते हैं। हमारे साथ पेज नंबर 110 है, इंशाअल्लाह जो भी बातें इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम सुनेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन बातों की तौफीक मुझे दे, ये हिम्मत दे, हौसला दे कि हम उन तमाम लोगों को अल्लाह के आदाब से डराएं जो अल्लाह ताला से दूर हैं। अल्लाह हमें बुराइयों से, फहश से, मुनकरात से बचने की तौफीक दे। या अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं सबकी जो परेशानियां हैं उसे दूर फरमा। या अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमा, रोज़ी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में जो बोझ है, अदावत है, हसद है, या अल्लाह उसे दूर फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।